नेताजी ने वो तो जानवर था उसके ऊपर हाथ रखा, मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है जो अपनी बेगरस से अभी भी नहीं बाजार। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूँ जवाब सुन लो, उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। गौरव भाटिया को जनता ने, देश की जनता ने इनकी सरकार को हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा लाया। अगर तेवर भगत सिंह जी ने नहीं दिखाए होते, तेवर चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिखाए होते, तेवर राजगुरु ने नहीं दिखाए होते, तो जिनका सवाल है उनकी पुश्तें भी गुलाम थी और ये भी गुलाम ही रहते। वहां विपक्ष की अलायंस तो बनी लेकिन अलाइनमेंट खराब है, सीट शेयरिंग तो हो नहीं रही, अलायंस कहीं जा नहीं रही। और इधर प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया 370 बीजेपी के और 400 पार एनडीए सरकार। अब विपक्ष कौन सी रणनीति लाएगा, क्योंकि जो भी रणनीति ला रहा है वो फेल होती नजर आ रही है, कम से कम जनता की नजरों में। निश्चित तौर पर जो आपके सवाल है वो बड़े मौजू से सवाल है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना ओजस्वी, इतना बेहतरीन भाषण रहा कि विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा, विपक्ष करे तो क्या करे, यही कुछ ऐसा बन रहा है। मोदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष हार गया, विपक्ष खत्म हो गया, तो आपको नीतीश जी को बैरंग वापस भेज देना चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, अजीत पवार को सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा, वॉशिंग मशीन का नाम ले लिया उन्होंने, उस वॉशिंग मशीन का जिसका बटन वो हर हफ्ते या हर महीने दबाते हैं और क्या करते हैं, क्लीनिंग। कितना है? 70,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है? 50,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है असम का? 10,000 करोड़ क्लीनिंग। उसका, उस वॉशिंग मशीन का बटन तो मोदी जी दबाते हैं, तभी तो वो क्लीन होकर बाहर निकलते हैं। विपक्ष से इतना डर मोदी जी को, मैं पहली किसी देश के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं। तर्क अच्छा ये बताइए, हम तो सत्ता में नहीं है, फिर आपको किस बात का खतरा है? और आप सदन में इस बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे पत्थर ईंट मार रहे हैं, सवाल ना पूछे। आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरनाक हो जाए, मतलब सत्ता से कोई सवाल ही ना पूछा जाए, हम आपसे किसी तरीके की कोई बात ही ना करें? तो फिर आप कहे कि बड़े प्रधानमंत्री, फिर कैसे डिफरेंट आप अपने आप को कांग्रेस से और अदर पार्टियों से अपने आप को अलहदा बताने की कोशिश करते हैं? ये सारी चीजें तो हम जानना चाहते हैं, और आपसे सवाल पूछा जाता तो आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं मोदी जी, आप सिर्फ विपक्ष पे सवाल पूछते हो। विपक्ष से कोई सवाल पूछता है, ठीक है आपकी हमारी कंपटीशन हो सकती है, हमारी और आपकी जो पॉलिसियां हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पे सवाल? और आपने जवाहरलाल नेहरू जी की कह दिया कि आप आलसी समझते थे इस देश के, आप तो कह रहे हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो 85 करोड़ लोगों को क्यों आप राशन दे रहे हैं अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? चलिए बहुत से सवाल है। 85 करोड़ लोगों को, नाविका जी आप कल्पना नहीं कर सकती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जस्टिफाई अपनी ही बात को कर रहे हैं। और मैं एक लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, काला धन अभी नहीं आया, हम सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं मोदी जी, आप तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, आजीवन हो जाओ, अमर हो जाओ, लेकिन काला धन तो लाओ, कब लाओगे आप, ये भी जनता जानना चाहती है। चलिए चलिए, गौरव भाटिया जी, विपक्ष के अभी भी सवाल इतने हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग उन्होंने 100 मिनट का भाषण दिया, लेकिन सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे। अब मनोज यादव जी ने जो सवाल खड़े हैं उनका जवाब आप दे दें। आत्मविश्वास तब आता है जब किसी व्यक्ति ने मेहनत की हो, ईमानदारी से करी हो, और वो देश के प्रति समर्पित हो। आज एक भारतीय होने के नाते मुझे, और मैं समझता हूं 140 करोड़ भारतीयों को भी गर्व महसूस हुआ होगा, और ये कहना गलत नहीं होगा, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। नाविका जी आप सोचिए, 2014 के बाद एक आंकड़ा आपको देता हूं, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, परिवारवादी कांग्रेस, सांप्रदायिक कांग्रेस, और ना यहां पे टूटी साइकिल के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, उनकी सरकार रिपीट हुई थी। आप सोचिए मोदी जी ने क्या काम किया होगा, उनकी विश्वसनीयता क्या होगी कि दो पूरे टर्म के बाद पूर्ण बहुमत के तीसरी बार वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 370 सीटों से ज्यादा हमारी आएगी। अभी आप सपा से पूछ लीजिए, इनकी 3 सीटें हैं लोकसभा में, ये विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद भी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री पे। और मैं आपको बताता हूं वजह क्या है उसकी। देखिए,
अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का दमखम किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उन्होंने करी, गरीबों को कैसे मुख्य धारा से जोड़े उसकी बात करी, युवाओं की बात करी, किसानों की बात करी, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करें। देश का ईमानदार प्रधानमंत्री ढंके की चोट पे कहता है अगर भ्रष्टाचार किया है एक एक पाई तेरी वसूल लूंगा और जनता को जाएगी, ये गरीबों की पाई है। और एक बड़ी बात मैं और कह दूं, ये कह रहे थे अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, सपा के प्रवक्ता को मैं बताता हूं वॉशिंग मशीन देखिए, ये वॉशिंग मशीन है, ये गायत्री प्रजापति दोष सिद्ध है बलात्कार में, खनन घोटाले में। इनको जो आधे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने हटा दिया था। आपको मालूम है 5 दिन बाद वापसी हो गई और ये पैर छू रहा है मुलायम सिंह यादव जी के, और उसके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कुछ नहीं कर पाए। एक और तस्वीर है, ये देखिए वॉशिंग मशीन, ये अतीक अहमद है अपना कुत्ता लेके आया है, उस कुत्ते का हाथ जो मुख्यमंत्री ही रहे मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में पकड़ा रहा है। ये वॉशिंग मशीन ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा माफिया डॉन था उसकी धुलाई हो जाती थी, और इसको सही किसने किया, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब देना चाहूंगा, ये फर्क है। इसलिए कम से कम वॉशिंग मशीन पे ना बोला करो, पूरे दामन में काले दाग है, पूरे दामन में काले दाग है, इसीलिए जनता ने नकारा है। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। जवाब दीजिए, काउंटर का समय दूंगी मनोज यादव जी आपका, जवाब दीजिए, आपके पास 45 सेकंड। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, और टूटी साइकिल की बात करी। बड़े बेगैरत आप थे, जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए। अच्छा नहीं लगा मुझको कि जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उसी साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे। बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। अगर इतनी भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको बिल्कुल उस, आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए चले गए थे क्या? अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, ओ माई गॉड, राज्यसभा सब तो ले लिया, उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से। मैं आरोप जो लगा रहा हूँ काले धन के लगा रहा हूँ। मोदी जी ने आज सदन में पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक है, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं मनोज यादव जी, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। अतीक अहमद की बात कही, गायत्री प्रजापति की बात कही, आप उसका जवाब दीजिए। मैं मुद्दे पे हूँ मैं, अरे गायत्री प्रजापति सारे प्रजापतियों पे जवाब दे रहा हूँ, मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी। इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने भी किसी कुत्ते की फोटो दिखाई नेताजी ने, वो तो जानवर था उसके ऊपर हाथ रखा, मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ रहा। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत, टोटी का रोज आना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूँ जवाब सुन लो, उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, उसी टोटी से, क्योंकि झूठा आरोप लगाते हो। कहाँ हजारों लाखों करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में जमा था, जो बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी हर बात कहते थे, बात हमारे बात इधर उधर करने की कोशिश ना कर, जो जो सवाल है उसका जवाब आपने दिया नहीं। कुत्तों की बात, कुत्तों की बात आप कर रहे हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान है जो वायरल हो रहा है, और मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहूंगा, तहसीन तहसीन मुझे गलत बात है नाविका जी, नाविका जी गलत। ओके ऑल राइट, 45 सेकंड मुझे चाहिए। बारह भाटिया काउंटर। देखिए मेरे लिए इन्होंने जो भी शब्द कहे वो इनके संस्कार हैं, और हो सकता है ये यादव परिवार के छेद गिनने में बहुत एक्सपर्ट हो तो छेद गिनी है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब दो बड़े बात करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही कूदते हैं। मेरे हाथ पे क्या है, देखिए अखिलेश यादव पे जब सीबीआई ने, ये लोग कहते थे झूठा मुकदमा लगाया, उनकी गर्दन सीबीआई ने पकड़ ली मुलायम सिंह यादव की, ये देखिए नाम लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। शांत बदतमीज आदमी, जिसको ये देखिए बचाया किसने, क्लीन चिट दे दी, नाम लिखा है गौरव भाटिया, कैसे कर गए, इनको एक मिनट ऑर्डर प्लीज, एक दूसरे पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। नहीं मैं तो कोई माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल एक मुद्दे पर, मनोज यादव जी पे बात हो रही थी, वो कुत्ता लेके आ गए, मुद्दे पे ही रहूंगा, वो कुत्ता लेके आ गए तो फिर लो कुत्ते का जवाब भी। शांत हो गए मनोज यादव जी, जब आप बोल रहे थे गौरव भाटिया, एक मिनट
एक मिनट, मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे, गौरव भाटिया जी ने आपको आपको इंटरप्ट नहीं किया था, अकाउंटेबिलिटी से बहुत दूर है। ठीक है, आपने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, गौरव भाटिया जी जवाब दे, आप बीच में ना बोले। लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि गौरव भाटिया विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। गौरव भाटिया को जनता ने, देश की जनता ने, इनकी सरकार को हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा ला है। ठीक है, मनोज यादव जी की उल्टी, मनोज यादव जी अगर आप सवाल उठाएंगे तो उनके पास भी हक है कोई सवाल उठाने का, और पब्लिक भी पूछ रही है। राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, अभी तो अखिलेश जी अपने खुद के नेतृत्व में पहला चुनाव जीतकर दिखाना है, ये बात तो मनोज जी को भी पता है, फिर भी ऐसे तेवर क्या ठीक है, जनता पूछ रही है। अगर तेवर भगत सिंह जी ने नहीं दिखाए होते, तेवर चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिखाए होते, तेवर राजगुरु ने नहीं दिखाए होते, तो जिनका सवाल है उनकी पुश्तें भी गुलाम थी और ये भी गुलाम ही रहते। लड़ना पड़ता है, झुकना नहीं पड़ता है, और हम समाजवादी लोग हैं, लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। कितना बड़ा भी पहाड़ सामने आ जाए उसको पार करने में कदाचित देर नहीं लगाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर आ।